जी बिल्कुल, एशिया कप जो है वो धूम धड़क्के से शुरू हो चुका है। अभी तक तमाम मैचेस जो हैं वो उनके नतायज बड़े ही हैरानकुन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैच दो रवायती हरीफों भारत और पाकिस्तान के मबैन जो मैच है उसका होना जो है अभी बाकी है। बहुत सारे लोग नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग जो हैं वो इस मैच का इंतज़ार कर रहे हैं और वो घड़ी जो है वो आन पहुंची है। दो रवायती हरीफ जो हैं कल टकराने वाले हैं आपस में, दो क्रिकेट की बड़ी कुवतें, एशियाई कुवतें। और इससे पहले भी तकरीबन 12 दफ़ा जो है एशिया कप में इन दोनों टीमों का आपस में आमना सामना हुआ है, जहां पर भारत को सबकत है। 6 दफ़ा भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को मात दी और 5 दफ़ा जो है पाकिस्तान ने भारत को जो है एशिया कप में मात दी। एक दफ़ा मैच ऐसा था कि 1997 का जो एडिशन था उसमें मैच जो है वो बारिश और बैड लाइट की नज़र हो गया। सो मैं थोड़ी सी डिटेल जो है वो शेयर करना चाहूँगा, बाकी फीलिंग्स जज्बात हर जगह तो वो मैच इस मैच के लिए पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आमना सामना हुआ था 1983-84 एडिशन में भारत ने पाकिस्तान को 54 रन से शिकस्त दी थी। उसके बाद 1994-95 तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद जो है पाकिस्तान ने भारत को 97 रन से हरा दिया था। तीसरी दफ़ा 1997-98 में आमना सामना हुआ, लेकिन उस मैच का नतीजा जो है वो ना निकल सका। मैच हुआ ज़रूर, तकरीबन 35 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट थे, मुश्किल में पड़ चुकी थी पाकिस्तानी टीम। वेंकटेश प्रसाद ने 4 विकेटें ली, लेकिन उसके बाद बारिश और बैड लाइट की वजह से मैच को अगले दिन पर ले जाया गया, लेकिन दूसरे दिन मैच बिल्कुल शुरू ना हो सका। उसके बाद सन 2000 में पाकिस्तान ने भारत को एक दफ़ा फिर काबू किया, 44 रन से जीत हासिल की। 2004 में पाकिस्तान ने भारत को एक दफ़ा फिर 59 रन से मात दे दी। और इसके बाद सन 2008 में जो लीग मैच था, जो ग्रुप मैच था, जो ग्रुप स्टेजेस थी, वहां पर भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटें, और जबकि उसी टूर्नामेंट में सुपर फोर में पाकिस्तान ने शिकस्त का बदला लिया और भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। इसके बाद सन 2010 में एक दफ़ा फिर भारत पाकिस्तान सामने सामने, लेकिन इंडिया ने इस दफ़ा पाकिस्तान को 3 विकेटों से मात दे दी। सन 2012 का जो एशिया कप था उसमें इंडिया एक दफ़ा फिर भारी रहा पाकिस्तान पर, 6 विकेटों से मात दी। 329 रन चेज किए, जिसमें विराट कोहली के 183 कैरियर बेस्ट जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी। उसके बाद सन 2013-14 में पाकिस्तान ने शिकस्त का बदला लिया, दोबारा से इंडिया को हराया और बड़ा क्लोज मुकाबला रहा, 1 विकेट से मात दी। इसके बाद सन 2016 जो कि T20 फॉर्मेट था एशिया कप में, वहां पर पाकिस्तान की खराब बैटिंग लाइनअप, सिर्फ 83 रन बनाए और 5 विकेटों से भारत ने वहां पर शिकस्त हासिल की। आखिरी जो मुकाबला पाकिस्तान भारत के माबैन हुआ वो आपको मैंने बता दिया, सन 2016 में, जिसमें भारत को शिकस्त हासिल है। लेकिन ओवरऑल जो आमना सामना हुआ वो एशिया सॉरी जो चैंपियंस ट्रॉफी है लास्ट ईयर सन 2017 में, वहां पर आमना सामना हुआ था, जहां पर पाकिस्तान ने फाइनल मैच में भारत को शिकस्त से दोचार किया था। हालांकि जो ग्रुप मैचेस थे वहां पर भारत ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ फतह हासिल की थी। दोनों टीमें जो हैं इस वक्त बैलेंस हैं। विराट कोहली जो कि की प्लेयर हैं इंडिया के, वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे, जिसका फायदा पाकिस्तान की टीम यकीनन उठाएगी, और जो थिंक टैंक वहां पर बैठा हुआ है उसके सोचने में थोड़ा सा उनको आसानी जरूर मिली होगी। बैटिंग की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है स्लाइटली मैं कह सकता हूँ कि पहला मौका है कि यहाँ पर इंडिया के खिलाफ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बेहतर नज़र आ रही है। ओपनिंग में फखर जमान बड़े अग्रेसिव, इमामुल हक स्लोली एंड स्टेडली, लेकिन वो रन्स करते हैं, आउट नहीं होते। और उसके बाद जनाब जो है बाबर आजम तसलसल के साथ बैटिंग करते हुए, शुएब मलिक मिडिल में आ जाते हैं, उसके बाद कप्तान और फिर सोआन आगे जो बैटिंग है। भारतीय बैटिंग लाइनअप, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, बड़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, लेकिन विराट कोहली के जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं रखना ज़रूर पड़ने वाला है। बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो दोनों टीमों के पास बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है। स्पिन के शोबे में भारत को सबकत हासिल है, पाकिस्तान के बाद वाहिद स्पिनर जो हैं शादाब खान हैं, शोएब मलिक को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन भारत की स्पिन अटैक जो है वो ज़्यादा अच्छा है। वेरिएशन पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, भारत के पास भी मौजूद है, और अब जो है मैच में बिल्कुल चंद घंटे बाकी हैं। दोनों टीमों के स्पोट्रान जो हैं, बताया गया है कि वहां पर टिकट्स जो हैं वो बिल्कुल नायाब हो चुके हैं, बल्कि महंगे दामों बिक रहे हैं, और इंतज़ामिया का ये कहना है कि 12 बजे के बाद जो है वो कोई बंदा जो है वो एंटर नहीं किया जाएगा। सो बिग मैच, बड़ी फाइट जो है वो आने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल याद रखें, ताकि
नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।